हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, ठीक है। लास्ट वीडियो से हमने राजपूतास के बारे में पढ़ा था, अरब एंड तुर्क इन्वेशंस के बारे में पढ़ा था, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसमें द अलवरी और सलेब डायनेस्टी, जिनका टाइम पीरियड था 1206 से 1290 का, ठीक है। आफ्टर मोहम्मद गौरी डेथ, ऑल द मुस्लिम रूलर रूल्ड ओवर द इंडिया फ्रॉम द 1206 से 1290, ठीक है। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद जो है मुस्लिम जो रूलर थे, जिन्होंने जो है इंडिया पे रूल किया, कब तक के 1206 से 1290 तक, ठीक है। वेयर वर आइदर स्लेव और वर डिसेंट ऑफ देयर स्लेव द रूलर, ठीक है, जो गुलाम थे और जो गुलाम वंशक के शासक थे, ठीक है। द डायनेस्टी जनरली नोन एज द स्लेव डायनेस्टी, इसको गुलाम वंश कहा जाता है, स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, और अलवरी डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है। ऑल एज ऑल द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी एक्सेप्ट एबक बिलोंग टू द अलवरी ट्राइब ऑफ द तुर्क, जो भी इस शासक के जो इस डायनेस्टी के जो शासक थे, मतलब कुतुबुद्दीन एबक को छोड़ के, वो जो है अलवरी ट्राइब से बिलोंग करते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास कुतुबुद्दीन एबक, जिनका टाइम पीरियड था 1206 से 1210 का, ठीक है। इनको जो है 24 जून 1206 में इनका राज्याभिषेक किया गया, ठीक है। आफ्टर गौरी डेथ, गौरी की मरने के बाद एबक ने दिल्ली पे रूल किया और एक एंड फाउंडेड हिज डायनेस्टी, और अपनी एक डायनेस्टी बनाई, ठीक है। इन्होंने जो है लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया और इनको एक टाइटल दिया गया जिसका नाम था लखबख्श, ठीक है। ही कंस्ट्रक्टेड टू मॉस्क्यूज, मतलब इन्होंने दो जो है मस्जिद बनाए, एक था क्वावत उल इस्लाम जो दिल्ली में बनाया, 2.5 दिन का झोंपड़ा जो अजमेर में बनाया, ठीक है। ऑल्सो ये भी बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इन्होंने कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन नींव रखी, ठीक है। इन द हुनर ऑफ फेमस सूफी सैनट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हुनर में, ठीक है। तो ये जो कुतुब मीनार है वो है हमारा दिल्ली में, ठीक है। एबक वॉज द ग्रेट पैट्रोन ऑफ लर्निंग एंड पैट्रोनाइज राइटर, इन्होंने जो है राइटर्स जो है उनको शरण दी। कौन कौन से राइटर थे? हसन उल निज़ामी, जो उनकी बुक थी ताज उल मासिन, एंड फराकुद्दीन थे, जिनके बुक थी तारीख ए मकबरा शाही, ठीक है। बुक के नाम याद रखने हैं, किसने लिखी है उनका भी याद रखना है। ही फेल फ्रॉम द हॉर्स वाइल प्लेइंग चोगान, ठीक है, चोगान, एंड डाय 1210, और ये जो है चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरे और 1210 में इनकी डेथ हो गई, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास आराम शाह। आराम शाह के बारे में क्या है कि ये जो है कुतुबुद्दीन का एबक का बेटा है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 8 महीने तक का रहा, ठीक है। ये जो है कैपेबल नहीं थे, मतलब शासक, मतलब कैपेबल नहीं थे, ठीक है। सम ऑफ द नोबल रोज ऑफ ओकेजन एंड इन्वाइटेड एबक सन इन लॉ एंड गवर्नर ऑफ बदायूं, इन्होंने क्या किया, एक ओकेजन में जो है इनवाइट किया कुतुबुद्दीन एबक का जो दामाद था और जो बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, जिसका नाम था इल्तुतमिश, ठीक है। और इन्होंने, इल्तुतमिश ने क्या किया, आराम शाह को मार दिया और जो है दिल्ली का राजा बन गया 1211 AD में, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारे पास इल्तुतमिश, ये मेन है, इनका भी याद रखना है आपने। ही इज कंसीडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट स्लेव किंग, इनको जो है गुलाम वंश का सबसे बड़ा राजा जो है कंसीडर किया गया, एंड ये रियल कंसोलिडेटर ऑफ द तुर्किश कंक्वेस्ट इन इंडिया, ठीक है। और 1215 में इन्होंने ही डिफीट यालदोज, इन्होंने यालदोज को हराया 1215 में, ठीक है। किसने? इल्तुतमिश ने। और जो है हु एस्टेब्लिश हिमसेल्फ एज द इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ गजनी, और गजनी का एक स्वतंत्र शासक बना, ठीक है, घोषित किया। ही सेंड एक्सपेंडिशन अगेंस्ट द राजपूत इन, इन्होंने क्या किया कि एक खोज यात्रा करी राजपूता के अगेंस्ट, कहाँ कहाँ पे? रणथंभौर, जलोर, ग्वालियर, अजमेर एंड मालवा, यहाँ पे, ठीक है। ड्यूरिंग हिज पीरियड, याद रखना है इसके टाइम पीरियड पे क्या, एक मंगोली था जिसका, मंगोल के जो लीडर था जिसका नाम था चंगेज खान, उनकी फर्स्ट अपेयरेंस आई इन फर्स्ट टाइम इन इंडिया में, ठीक है, पहली बार वो इंडिया में आए, ठीक है। ही सेव्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द वार्थ ऑफ द चंगेज खान बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर ऑफ ख्वाजिरम शाह जलालुद्दीन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने जो चंगेज़ खान के क्रोध से दिल्ली सल्तनत को बचाया,
कैसे इन्होंने जो ख्वाजिरम के जो जलालुद्दीन थे उनको जो है अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। ठीक है, किसने? इल्तुतमिश ने। अब 1229 में क्या हुआ, ही गॉट हिज अथॉरिटी। ठीक है, सुल्तान ऑफ दिल्ली रिकोगनाइज बाय द खलीफा ऑफ बगदाद। ठीक है, इन्होंने क्या हुआ कि इल्तुतमिश एक पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खिलाफ से सुल्तान पद की जो है अथॉरिटी प्राप्त की। ठीक है, ही कम्प्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। ठीक है, इन्होंने क्या किया, कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन जो है कम्प्लीट करी। ऐबक ने क्या किया था, उसकी नींव रखी थी, वो पूरा नहीं कर पाए थे। अब इन्होंने क्या किया, इस कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीट किया। ठीक है, ही कॉन्स्टिट्यूटेड अ क्रॉप ऑफ 40 रॉयल स्लेव्स अमीन्स नोन है तुर्क इचिलगानी और 40। ठीक है, इन्होंने एक गुलाम 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा तुर्क ए चिलगानी और 40। ठीक है, ये याद रखना है। और इन्होंने जो है एकता सिस्टम जो है स्टार्ट किया दिल्ली सल्तनत में, किसने स्टार्ट किया, ये याद रखना है, किसने किया, इल्तुतमिश ने। एवरी एकतादार हैड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एंड कोलेक्ट रेवेन्यू आफ्टर डिडक्टिंग हिज सैलरी एंड एक्सपेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट इन सेंट सरप्लम। ये क्या इन्होंने क्या करते थे, ये मेंटेन करते थे लॉ एंड ऑर्डर एंड कोलेक्ट और रेवेन्यू कलेक्ट करते थे और सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग द सैलरी द एक्सपेंसिव ऑफ द गवर्नमेंट ही सेंट जो सरप्लस अमाउंट बचाता था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते थे। और इन्होंने जो है इंट्रोड्यूस करवाए 2 सिक्के, कौन सा, सिल्वर टका और कॉपर जीतल। ये याद रखना है किसने करवाए हैं। ठीक है, ये बहुत एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, ही पेट्रोनाइज्ड मिनहाज असिराज। एक मिनहाज असिराज थे जिनकी जो ऑथर थे तबाकत आए नर्सरी के, ठीक है, के ऑथर थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ टॉम बिल्डिंग, इनको टॉम बिल्डिंग का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, इनकी जो डेथ हुई वो ही हमारी 1236 अप्रैल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रुकनुद्दीन फिरोज, जिनका टाइम पीरियड था 1236। ठीक है, इल्तुतमिश ने इन्होंने क्या किया, इनको ये जो है इल्तुतमिश का बेटा था इनको इसको राजा बनाया। ठीक है, इसके जो है ये मतलब ये कैपेबल नहीं था, जो हमारे ये रुकनुद्दीन थे वो इतने मतलब शाहतुरान इन्होंने जो है ज़्यादा फेमस नहीं थे। इनके टाइम पीरियड पे क्या हुआ कि इनकी जो माँ थी शाहतुरानी, इन्होंने जो है यहाँ पे राज किया। ठीक है, पर क्या हुआ कि जो शाहतुरानी के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटा दिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फाइनली जो शासक था वो रजिया को दे दिया। जब वो जो है अवधा में अपने जो अगेंस्ट जो विद्रोह हो रहा था उसको रोकने गया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो बच गया, और भी इसमें और भी चीज़ें हैं दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको इसीलिए इतना सा इसीलिए करवाया ताकि ये चीज़ें आपको साथ साथ में याद रह जाए। ठीक है, इनसे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस भी कर पाऊंगी। थैंक यू, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।